विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा इसी प्रकार से बने बनी रही। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं आने वाले समय में अपने नई कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। भारत विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा इसी प्रकार से बने बनी रही। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं आने वाले समय में अपने नई कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। यहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले जेवर की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? और इस वर्ष के अंत में हम जेवर में फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। भाइयों बहनों, यहां पे आज मेडिकल डिवाइस पार्क भी आ रहा है, आज यहां पे फिल्म सिटी भी आ रही है, आज यहां पर विभिन्न प्रकार की वे योजनाएं जिनके बारे में कभी कल्पना की जाती थी, आज वह सब कुछ यहां आ रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों ने जमीन दी थी, सचमुच उनका अभिनंदन करता हूं। मैंने यहीं पे आकर के उनसे उस समय संवाद किया था और मैंने अनुरोध किया था कि आपका समय निकल चुका है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचिए, हमें कैसा विकास चाहिए। जो लोग इस पूरे जनपद को, यहां के विकास को बैरियर बन करके माफियाओं के साथ मिल करके यहां के विकास को रुद्ध करते थे, हमें उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है या यहां का विकास करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करना है। और यहां के आने वाले सभी सम्मानित किसानों ने, अन्नदाता किसानों ने कहा था नहीं, हमें विकास चाहिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल चाहिए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सचमुच आप विकास के पक्षधर हैं तो एक काम करना कि जेवर एयरपोर्ट के लिए बनने वाला जो एयरपोर्ट है उसके लिए जो जमीन है, उस जमीन की रजिस्ट्री के कागज 1 महीने के अंदर आप यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में आकर के मुझे दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप लोग सचमुच एयरपोर्ट बनाने के पक्षधर हैं। और उन्होंने किया था और मैं आज इसीलिए आया हूं। आज हम यहां पे आए हैं, आज यहां पे 1718 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी है, सड़क से भी है, ड्रेनेज से भी है, यहाँ की अन्य अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, लेकिन साथ साथ इस जनपद के समग्र विकास के लिए अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की वह एक झलक भी प्रस्तुत करता है। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले पर रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को, कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती
चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं, और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है।